बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आई टी फॉर सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। दिस इज़ द लेक्चर फॉर अ पाइथन 3 कंप्लीट कोर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग PyCharm, जो कि प्रोफेशनल डेवलपर्स के लिए IDE है, उसे हमने कैसे डाउनलोड करना है और उसे हमने अपनी मशीन में कैसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे डाउनलोड करेंगे अपने वेब ब्राउज़र से और देन हम उसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपने वेब ब्राउज़र में यहाँ पे लिखना है डाउनलोड PyCharm, ये मैंने लिखा है। तो जैसे आप लिख के सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको जो लिंक शो होगा वो होगा www.jetbrains.com/PyCharm/download। तो आपने इसे करना है, क्लिक कर देना है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आपको ले आएगा इस वेबसाइट में www.jetbrains.com/PyCharm/download। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, चूँकि मैं विंडोज़ पे हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ सेलेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, प्रोफेशनल वेरिएंट और कम्युनिटी वेरिएंट। प्रोफेशनल वेरिएंट जो कि पेड वेरिएंट है, हम इसे फ्री ट्रायल इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि इस कोर्स को कम्प्लीट करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, कम्युनिटी यूज़ करूँगा, ताकि मुझे रजिस्ट्रेशन का मसला बाद में भी ना हो जब मेरी ट्रायल वेरिएंट वगैरह ट्रायल एक्सपायरी हो जाए। तो मैं यूज़ करूँगा कम्युनिटी वेरिएंट को। तो इसे यहाँ से हमने क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो ये इसकी अभी डाउनलोड स्टार्ट होने वाली है। अभी ये आपके सिस्टम में भी इसके डाउनलोड स्टार्ट हो गया होगा। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और डाउनलोड के बाद दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। तो हमने इसको कंप्लीट डाउनलोड कर लिया है। अभी आपने करना है, ओपन करना है दिस पीसी को और डाउनलोड्स पे क्लिक करना है, देन आपने प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। तो ये आप देख रहे हैं PyCharm जो कम्युनिटी वरीन है हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। अभी हम इसे करेंगे इंस्टॉल करेंगे। तो आपने इस पर क्लिक करना है। यस कर दें इसको, देन सिंपल नेक्स्ट। और ये इसका जो डेस्टिनेशन फोल्डर है जहाँ पे इसने इंस्टॉल होना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो इसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 64-bit लॉन्चर को, और आपने ऐड करना है लॉन्चर डायरेक्टली टू द पाथ। इसको आपने मस्ट चेक करना है, इस चेक बॉक्स को, और उसके बाद एसोसिएशंस को अब बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी कर दें चेक डॉट पाए को, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, देन इंस्टॉल कर दें। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। Dear viewers, if you want to learn computer programming, web designing, web development, graphic designing, mobile applications development, 3D animation designing, real world software development and online classes and coaching, तो फिर आप हमारे चैनल IT for Solutions को ज्वाइन करें, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। और आप ये सारे कोर्सेज हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। इन सारे कोर्सेज को और हमारे चैनल को फाइंड करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले आपने अपने ब्राउजर पे जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है IT for Solutions। तो ये टॉप पे नजर आएगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। आपने इसके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और इस बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके।